एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसको हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम कभी कभी क्या करते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू की तरह ट्रीट कर लेते हैं, या कभी कभी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल की तरह ट्रीट कर लेते हैं। तो उनकी एडजस्टमेंट हमने कैसे करनी है एग्जैक्ट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने में, उसे देख लेते हैं। आपकी बुक के अंदर ये क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 6 दी हुई है। स्टेटमेंट देखें क्वेश्चन की क्या दी हुई है। ए बी आर पार्टनर इन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए एंड बी आर टू पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:2 रेशियो। दे एग्री टू टेक सी इन टू पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर। सी को एग्री एडमिट किया जाना है और उसे प्रॉफिट में 1/3 शेयर दिया जाएगा। For this purpose, goodwill is to be valued at 2 years purchase of the average profit of last 4 years, which were as follow. क्या कहते हैं कि हमें goodwill की calculation करनी है, और goodwill की calculation करने के लिए हमें पिछले 4 सालों के profit का average निकाल के उसे 2 year purchase के equivalent मानना है। ठीक है, हमें profits दिए हुए हैं year ending on 31st March 2014 का हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 50,000। ईयर एंडिंग 31st March 2015 इसका हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 1,20,000। ईयर एंडिंग 31st March 2016 इसका प्रॉफिट दिया हुआ है 1,80,000। और ईयर एंडिंग 31st March 2017 इसका लॉस दिया हुआ है 70,000 का, हमें लॉस दिया हुआ है। आगे क्या कहते हैं, ऑन 1st April 2016 2016 के साल के पहली डेट को ए मोटर बाइक कॉस्टिंग ₹50,000 वाज परचेज्ड। अब देखो बच्चे, मोटर बाइक है, मोटर बाइक के कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। मोटर बाइक कॉस्टिंग ₹50,000 वाज परचेज्ड एंड डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। हमने एक मोटर बाइक खरीदी जो कि एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और हमने उसे ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस के अंदर डेबिट कर दिया, यानी कि उसे रिवेन्यू की तरह ट्रीट कर लिया। कौन सी यहाँ पर मिस्टेक है, कौन सी एरर है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या कहती है कि कभी कभी हम क्या करते हैं, कैपिटल को रिवेन्यू की तरह ट्रीट कर लेते हैं और रिवेन्यू को कैपिटल की तरह ट्रीट कर लेते हैं। तो यहां पर हमने गलती क्या की कि मोटर बाइक जो ₹50,000 की खरीदी थी 1 अप्रैल 2016 कहां पर लाई करता, इस साल में, क्योंकि ये साल हमारा 31 मार्च 2017 को खत्म हो रहा है, और ये शुरू कब हो रहा है, 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017। कहते हैं कि इस डेट पे हमने एक मोटर बाइक खरीदी और उसे हमने रिवेन्यू की तरह ट्रीट कर लिया, रिवेन्यू एक्सपेंस मान लिया। और रिवेन्यू एक्सपेंस मान लिया इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इस साल के प्रॉफिट को मोटर बाइक खरीदने में जितना खर्चा हुआ उतने से कम कर दिया, यानी कि इस ₹70,000 में से ₹50,000 जो मोटर बाइक को खरीदने के लिए खर्च किए थे वो माइनस हम लोग कर चुके हैं। ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, और इसके ऊपर हमने 20% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखाते हैं, क्योंकि वो हमारा एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और उसे हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट करके प्रॉफिट में से माइनस करते हैं। तो यहां पर जो ₹50,000 का खर्चा हुआ, क्वेश्चन के अंदर अगर हमें एक्चुअल प्रॉफिट निकालने हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालने हैं, उस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए पहले मुझे 2017 का रेक्टिफाइड यानी कि एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है, वो प्रॉफिट जो एक्चुअल है। इसके लिए हम एक वर्किंग नोट बनाते हैं। गिवन प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 70,000, बट ये प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो लॉस होने के कारण मैंने इसे ब्रैकेट के अंदर दिखा दिया। अब हमने मिस्टेक क्या की कि जो मोटर बाइक का खर्चा था ₹50,000 हम इसमें से माइनस कर चुके हैं, उसे हमें वापस ऐड करना पड़ेगा। ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो इसमें से माइनस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हमने ऐड कर दिया मोटर बाइक एक्सपेंसेस, हमने इसमें ऐड बैक कर दिए 50,000। तो अब अपने पास लॉस रह गया 20,000 का नेगेटिव,
माइनस के 70, प्लस के 50, तो 20,000 अपने पास रहेगा नेगेटिव। क्या कहते हैं कि इस मोटर बाइक के ऊपर हमने डेप्रिसिएशन लगाना है 20% के हिसाब से, लेकिन डेप्रिसिएशन तो माइनस होना चाहिए, तो हमने इसमें से माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन। मोटर बाइक की 50,000 की हमने किस डेट को खरीदी, हमने खरीदी 1 अप्रैल 2016 को, तो 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक पूरे साल का डेप्रिसिएशन 20% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगा दिया जी। ये आ गया अपने पास 5 × 2 = 10,000 एक्सपेंस है तो इसे माइनस होना चाहिए, तो यानी कि अब अपने पास एडजस्टेड प्रॉफिट आ गई 2017 के 30,000 और ये लॉस है। अब इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, इस साल के प्रॉफिट में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, इस साल के प्रॉफिट में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी, इसमें थी वो एडजस्टमेंट हमने कर ली। अब यहां पर हम एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट 50,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,80,000 प्लस 30,000, क्योंकि ये नेगेटिव है तो मैंने इसे ब्रैकेट के अंदर दिखा दिया, और इसको एवरेज निकालने के लिए नंबर ऑफ इयर्स यानी कि 4 साल से हमने इसे डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट 80,000 का। गुडविल की कैलकुलेशन करनी है तो गुडविल कैसे निकालेंगे, कहते हैं कि 80,000 रुपए का जो एवरेज प्रॉफिट आया इसको हमने नंबर ऑफ इयर्स परचेज्ड यानी कि जो कि 2 साल का हमको पीरियड दे रखा है इसे मल्टीप्लाई करके गुडविल की वैल्यूएशन आ जाएगी। तो कई बार क्वेश्चन के अंदर बच्चे कोई भी प्रॉफिट अगर हम निकालना चाहते हैं, अभी तो हम जैसे एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं, आगे हमें सुपर प्रॉफिट भी निकालना होगा, तो उन केसेस के अंदर जब भी कुछ ऐसा हमें दे रखा हो कि हमने कैपिटल को रिवेन्यू की तरह ट्रीट कर लिया या रिवेन्यू को कैपिटल की तरह ट्रीट कर लिया, तो हमें क्या करना होता है उसे एग्जैक्ट प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए, अगर कैपिटल को रिवेन्यू की तरह ट्रीट कर चुके हैं तो हमें वापस उसे कैपिटल की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, और अगर हमें कैपिटल रिवेन्यू को कैपिटल की तरह ट्रीट कर चुके हैं तो उसे भी हमें उसी हिसाब से ट्रीट करने के बाद एडजस्टेड प्रॉफिट को कैलकुलेट करना होगा, ताकि हम एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट कर सके और एवरेज प्रॉफिट निकाल सके। इसके बाद नेक्स्ट मेथड अपने पास आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है बच्चे, देखो बच्चे ये अपना एवरेज प्रॉफिट का ही एक एक्सटेंडेड रूप है, उसकी ये लेटेस्ट फॉर्म है। इसके अंदर जो आपको ईयर्स वाइज प्रॉफिट दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर हमें पिछले क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट दिए हुए थे, तो जो ईयर वाइज प्रॉफिट दे रखे होंगे उनको हमने एक वेट असाइन कर देना है, और वो वेट असाइन कैसे होगा कि जो भी आपका लेटेस्ट ईयर होगा लेटेस्ट ईयर को हाईएस्ट वेट दिया जाएगा। ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जिस भी हिसाब से देखो बच्चे, आज से 4 साल पहले अगर कोई कंपनी 20,000 रुपए कमा रही है, 3 साल पहले उसकी प्रॉफिट 30,000 हो गई, 2 साल पहले उसके 40,000 हो गई, 1 साल पहले यानी कि पिछले साल उसके 50,000 हो गई, अब 60,000 है, 50 की बजाय सपोज अब 80,000 है, तो एकदम से 30,000 का हाइक गया, एकदम से 30,000 रुपए से उसके प्रॉफिट बढ़ गई, हालांकि पिछले सालों के दौरान 10-10,000 से प्रॉफिट बढ़ रहे थे, इस बार 30,000 से बढ़ गए, तो नेक्स्ट ईयर जो प्रॉफिट होंगे उन प्रॉफिट को अगर हम एग्जैक्ट उनका एस्टिमेशन करना चाहते हैं कि कितने होंगे, तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि हम इस बात का आइडिया लगाएं कि पिछले साल कितने प्रॉफिट हुए थे, बजाय इसके कि 4 साल पहले कितने हुए थे, क्योंकि जब भी फ्यूचर को हम एस्टिमेट करते हैं, फ्यूचर को एस्टिमेट करने के लिए हम लोग उसकी नियरेस्ट पास्ट को देखते हैं, नियरेस्ट पास्ट यानी कि पिछले साल को देखेंगे, ना कि हम ये देखेंगे कि 4 साल पहले कंपनी ने कितना कमाया था और वो अगले साल कितना कमाएगी। तो यहां पर बात उठती है कि यहां पर कि जो नियरेस्ट पास्ट होता है उसको ज्यादा वेटेज दी जाती है, ताकि हम एग्जैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी का पता लगा सके कि कंपनी अगले आने वाले सालों में कितना प्रॉफिट कमाएगी, और उसी प्रॉफिटेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हम गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। तो यानी कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर क्या होगा, प्रॉफिट्स को वेट असाइन किए जाएंगे,
वेट एक सीक्वेंस के अंदर होंगे, लाइक 1, 2, 3, 4, 5 एज इस तरह से ईयर वाइज, जैसे 2014 का 15, 16, 17, 18, 2018 का हाईएस्ट वेट होगा। और ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड मोस्टली उन केसों के अंदर अप्लाई किया जाएगा जहां पर प्रॉफिट या तो लगातार बढ़ रहे हैं और या लगातार कम हो रहे हैं, या तो कंटिन्यूसली प्रॉफिट राइज हो रहे हैं या कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की गिर रही है, तो उन केसेस के अंदर हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज करते हैं। जैसे आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर देखें, इलस्ट्रेशन नंबर 7 दिया हुआ है, द प्रॉफिट ऑफ योर फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों के हमको प्रॉफिट दे रखे हैं, कौन कौन से क्या क्या प्रॉफिट हमको दे रखे हैं, ईयर एंडेड 31st March 2011, इसके प्रॉफिट है 43,000 के, इसके बाद 2012 के प्रॉफिट दे रखे हैं 50,000 के, 2013 के हैं 52,000, 14 के हैं 65,000 और 15 के हैं 85,000। इसके बाद क्या कहते हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी है 2 ईयर्स परचेज के हिसाब से और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को हमने यूज करना है। तो बच्चे यहाँ पर भी आप देखोगे तो प्रॉफिट देखो लगातार बढ़ रहे हैं, पहले 43 था, फिर 50 था, फिर 52 था, कोई भी ऐसा साल नहीं आया जिसके अंदर प्रॉफिट कम हुए हो, तो यानी कि कंटिन्यूसली प्रॉफिट राइज हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में वेटेड एवरेज मेथड को अडॉप्ट किया जाना सुटेबल भी है। अब इसके अंदर हमें क्वेश्चन के अंदर वेट्स दिए हुए हैं, वेट्स कैसे दिए हुए हैं बच्चे, कि हमें 2011 को वेट देना है 1, 2, 3, 4, 5। तो अब हमें क्या करना है, ये प्रॉफिट थे अपने, क्वेश्चन के सॉल्यूशन के अंदर हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है, कंसर्न्ड ईयर के प्रॉफिट को उसी ईयर के वेट से मल्टीप्लाई करना है, 43,000 मल्टीप्लाई बाय 1, 43,000, 50 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 लाख, 52 मल्टीप्लाई बाय 3, 1,56,000, 65 मल्टीप्लाई बाय 4, 2,60,000 और 85 मल्टीप्लाई बाय 5, 425,000। अब क्या करना है, हमें वेट्स का भी टोटल करना है और इस टोटल ऑफ प्रोडक्ट भी हमें कैलकुलेट करना है। तो इन सब का हमने टोटल कर लिया 15,984,000। अब तक हम पीछे करते आए हैं एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट, यहां पर हमें करना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट 984,000 डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट। अब वेट से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड नहीं करेंगे, वेट से डिवाइड करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई करके ये अपने पास वैल्यू आ गई 65,600। और गुडविल की कैलकुलेशन हमको क्या कह रखी है कि 2 ईयर्स के परचेज के हिसाब से हमने गुडविल कैलकुलेट करनी है, तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो गुडविल की वैल्यू आ गई 131,200। ये था बच्चे अपने पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड।